सूत्र के मुताबिक खबर आ रही है कि सतारा में किसानों के समर्थन में आंदोलन करते हुए मथाड़ी कामगार के नेता शशिकांत शिंदे को अरेस्ट कर लिया गया है। उसी सिलसिले में नवी मुंबई शहर में एपीएमसी बाजार में आप देख सकते हैं, चाहे वो भाजीपाला मार्केट हो या फिर कांदा बटाटा मार्केट हो या फिर फ्रूट मार्केट हो, बंदी का माहौल नज़र आ रहा है। खासतौर पर आपको बताना चाहेंगे कि शशिकांत शिंदे का मथाड़ी कामगार के प्रति काफ़ी प्रभाव रहा है, उसी मुद्दे को लेकर बंदी का माहौल दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि एपीएमसी बाजार में कोई दिख नहीं रहा है, एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है। तो आइए इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे अशोक वालून से, जो कि कांदा बटाटा मार्केट के बड़े व्यापारी के तौर पर माने जाते हैं, कि क्या कुछ खास है कि क्यों बंदी का माहौल है और कब तक बंदी का माहौल रहेगा, इसी मुद्दे को लेकर हम उनसे बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं उनसे और एक नज़र डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। आज सुबह अगर पोजीशन ऐसी हो गई कि एक तो भाजी मार्केट में सिर्फ 120 गाड़ियों की आवक थी, इसके लिए मार्केट पूर्ण कोलैप्स हो गया था भाजी मार्केट भी। यहाँ की कांदापटा मार्केट में 60 आलू गाड़ी की आलू की आमदनी थी, प्याज की आमदनी बिल्कुल नहीं थी, तो मार्केट एकदम स्लो था। लेकिन ऐसा होने के चलते कारण 11:30 बजे हम लोगों को न्यूज़ मिला कि हमारे यहाँ के जो एक्स मिनिस्टर है शशिकांत शिंदे साहब और अभी के MLA है NCP के, उनको सतारा में ये जो फार्मर्स लोगों का आंदोलन चालू है उसके दरमियान उनको अरेस्ट हो गई करके, अरेस्ट होकर उनको अटक किया गया। ये मालूम करते पड़ते ही हमारे पूरे मार्केट में एकदम तहलका मच गया और सब मसाला मार्केट है, अनाज मार्केट है, वहाँ के बाकी के सब मार्केट, कांडापटाला मार्केट, यहाँ पे सब भारी पैमाने पे माथाड़ी कामगार और व्यापारी जमा हो गए। और हम लोगों ने जब तक शिंदे साहब को छोड़ते नहीं तब तक हम लोग मार्केट बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि ये आंदोलन फार्मर्स लोगों का आंदोलन है। शशिकांत शिंदे साहब आज सतारा के सतारा में MLA होने के कारण वहाँ पे जो वो काम करते हैं उनका भारी पैमाने के सब पूरे तो वहाँ पे उनके फार्मर्स लोग ही वहाँ पे हैं, तो उन्होंने जो फार्मर्स लोगों के लिए कदम उठाया वो जनहित के लिए उन्होंने कदम उठाया और सरकार को उसको अंदाजा होना चाहिए कि आज अगर ये मार्केट बंद हो गया तो इसका अंजाम क्या होगा। मुंबई में पूरा जो यहाँ से सब्जी है, कांदा बटाटा है, पल्सेस है, मसाला है, सब यहाँ से सप्लाई मुंबई में होता है, और अगर ये चल के अगर इन्होंने अगर ये ऐसा अन्याय करके अगर फार्मर्स लोगों को फंसाना चाहते हैं तो इसका अंजाम अभी शशिकांत शिंदे साहब को अरेस्ट करने के बाद उनको भोगना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सरकार से विनती है, अभी भी वक्त है, अभी भी उनसे बात करो, फार्मर्स लोगों के लीडर लोगों से बात करो। हम लोग सब अभी फार्मर्स लोगों के स्ट्राइक में, हम लोग भी उनको सपोर्ट देना चाहते हैं, सब माथाड़ी कामगार व्यापारी, हम लोग भी उनको सपोर्ट देंगे अभी, और जब तक शिंदे साहब को अरेस्ट नहीं होती तब तक ये मंडी चालू नहीं होगी। दोपहर की घटना हुई है, अभी तक कुछ घटना नहीं है, उनको उनका ऐसा कुट कारस्थान चल रहा है सरकार का, ये लोगों के ऊपर गुना दाखिल करने का उनके ऊपर ऐसा उनका चल रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो ये उनका जो राजकारण है, ये कपटी राजकारण ये लोगों का चल रहा है, एक कटु कारस्थानी जो बोलती है वो कारस्थानी ये सरकार कर रही है, बदला लेने का जैसा अपन बोलते हैं बदला ले रहे हैं, उस टाइप का ये लोग अभी पॉलिटिक्स करने का काम ये BJP सरकार कर रही है। इसके लिए हम लोग BJP सरकार का और CM साहब का निषेध करते हैं और अभी भी वक्त है, अभी भी उन्होंने लीडर नेता लोगों के साथ बात करके इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला करना चाहिए, फार्मर्स लोगों का 7/12 कोरा करना चाहिए, ये हमारे भी व्यापारी की और माथाड़ी कामगार की मांग है।